आज एक इशू का रिटर्न आया फिर से, और ये कस्टमर है, नाम है मानी, भटिंडा पंजाब से। ये कस्टमर ने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। ये प्रोडक्ट अगेन इन्होंने SSD ऑर्डर किया है, सिलिकन पावर का 256 GB SSD, ये वाला SSD इन्होंने ऑर्डर किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उनका ऑर्डर है और ये हमें रिसीव हुआ, ठीक है ना। अब आप देखिए, अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। प्रोडक्ट देखने ही से लग रहा है हेवी वेट है, SSD का इतना कम वेट होता है, ये प्रोडक्ट जो है बहुत हेवी है। अब इस प्रोडक्ट को थोड़ा अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है। ये पहले से फटा हुआ है और इसके अंदर ये है 1 TB का WD पर्पल इन्होंने भेजा है, काफ़ी पुराना स्क्रैप सा, आई थिंक 5-6 साल पुराना होगा ये। इन्होंने ये प्रोडक्ट भेजा है, आप इस प्रोडक्ट की हालत को देख सकते हैं, मतलब कस्टमर किस लेवल और किस ग्रेड पे फ्रॉड कर रहा है, ये सोचिए। और इसके अलावा मैंने इतने घटिया तरीके से इसमें प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कस्टमर से ज़्यादा कुरियर बॉय का भी है जो रिसीव करते हैं। जब प्रोडक्ट जो भेजा है वही रिसीव होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट टोटली हम भेज रहे हैं SSD और वो रिसीव कर रहे हैं ये हार्ड ड्राइव, तो ये नाम भी मैच होना चाहिए, सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, तो ये सब है फ्रॉड मीशो का। और इसकी वजह से हमने क्या किया है, अब SSD पॉज ही कर दिया, हम मीशो पे SSD अब बेच ही नहीं रहे, क्योंकि हद से ज़्यादा फ्रॉड है मीशो पे, हद से ज़्यादा। ब्रांड का बेहतरीन SSD वगैरह आप कुछ बेच नहीं सकते हैं।